वेरी गुड, ग्रेट शॉट। आपको शॉट मिला डायरेक्टर सर? बहुत अच्छा था मास्टर जी, मुझे एक सेम शॉट दूसरे एंगल से चाहिए। ओके सर, टेक करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड निहारिका, तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया, लेकिन पिछला वाला थोड़ा हल्का था। कैन यू मेक इट मोर एक्साइटिंग? ठीक है, इस बार आपको फीका नहीं लगेगा। लेट्स डू इट अगेन। ओके, टेक करते हैं। तो टेक करेंगे। ओके, या एक्सक्यूज मी मैम। मैम, वो जेंगो टीवी से कुछ लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कुछ। पीपल, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शूट के टाइम कोई इंटरव्यू नहीं लेती, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, और उन लोगों को बोलो कि बैकअप के बाद आ जाएं। ठीक है, ओके, मैं बात करती हूं। प्लीज निहारिका, रेडी? यस सर, रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम निहारिका जी की नई फिल्म की शूट पर अपनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ दिल दहला देने वाले एक्शन स्टंट्स हैं, जिन्हें वो खुद ही अंजाम दे रही है। अरे मैडम, आपको मालूम है स्टंट हो रहा है इधर? प्लीज प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज। चलो इधर आओ। एक्शन! अरे यार, कोई एम्बुलेंस डॉक्टर को बुला यार। अरे और कोई आ गया? मुझे नहीं लगता निहारिका जी बची की। अरे ये क्या बोल रहे हो यार, तेरी फिल्म का क्या होगा? देखो, प्रोड्यूस डायरेक्टर को सलाह, अपनी फिल्म की पड़ी हुई है, यहाँ पे निहारिका जी की मौत हो गई। हेलो, अभिनेत्री निहारिका जी की कार का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कार पूरी तरह से जल चुकी है, उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है, और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उनकी मौत हो गई है। थैंक यू सर, आज तो कॉलेज के दिन याद आ गए सर। ऐसे ही सुहाने मौसम में बैठ के हम लोग कॉफी हाउस में बड़ी मस्ती किया करते थे। अच्छा, तो तुम कॉलेज में लेक्चर्स बंक करते थे? नहीं सर, कॉलेज बंक नहीं करते थे, बल्कि कॉलेज से जब फ्री टाइम मिलता था उस वक्त हम लोग कॉफी हाउस में जाते थे और बड़ा धमाल करते थे सारे दोस्त मिलके। सर, मैं तो अपने फ्री टाइम में मूवीज देखती थी, रोमांटिक मूवीज। सर, आपको रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती है? हाँ, क्यों नहीं, रोमांटिक फिल्म्स अच्छी लगती है। कौन कौन सी रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती हैं आपको? बहुत सारी है, अब किस किस का नाम? सर, आपने वो वाली देखी है जिसमें एक लड़का लड़की ऑफिसर्स होते हैं, लड़की नई नई ज्वाइन होती है और उसे लड़के से प्यार हो जाता है? ये कौन सी फिल्म है? सचिन, तुम्हें तो पता ही होगा इस फिल्म के बारे में, है? नहीं सर, इस फिल्म के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ऐसी फिल्म जल्दी बनने वाली है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जब मशहूर अभिनेत्री निहारिका जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई।
हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी आने वाली फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस कर रही थी। ओह नो, बहुत बुरा हुआ। अच्छी एक्ट्रेस थी निहारिका। हाँ सर, अखबारों में आए दिन इसके बारे में खबर छपती रहती थी। ये अपने स्टंट्स खुद करती थी, बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करती थी। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, एक पल है और अगले पल पता नहीं हो ना हो। हेलो, क्या चली गई लाश? बड़ी बेरे में से लाश को काटा गया, पहले शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया, बाद में आग लगा दी। हाँ सर, लेकिन बोरी पूरी तरह से जली नहीं, लगता है आग बीच में ही फंस गई। सर, खूनी ने पूरी कोशिश की थी लाश को ठिकाने लगाने की, मगर जुर्म कभी छुपता नहीं है। एक काम करो, आसपास देखो, देखो कोई सुराग मिलता है। थैंक यू हमें फोन करने के लिए। सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है, एक अच्छे नागरिक का यही तो फर्ज है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ किसी को ये लाश जलाते हुए देखा था? नहीं सर, लाश के पास कोई नहीं था, बस बहुत धुआं आ रहा था और मांस जलने की बदबू। किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर। हाँ सर, ये देखिए सर, मरने वाले के हाथ में छह उंगलियां। छह उंगलियां? एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता करो कोई आदमी गायब है क्या जिसके हाथ में छह उंगलियां थे। आज तो आप लोगों को बताने के लिए इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है कि सुनोगे ना तो आप लोग खुशी से डांस करने लगेंगे। डांस? कौन से गाने पे सर? बता, जल्दी बता। बॉस, इस आदमी के एक हाथ में छह उंगलियां, इसका कद 5 फीट 10 इंच है, इसका ब्लड ग्रुप एक पॉजिटिव है और इसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। और मारा कैसा गया है? जलाकर? नहीं, जलाने से पहले इस आदमी को चाकू घोंप घोंप करके मारा गया है, उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे बोरी में बंद करके ले जाया गया है जलाने के लिए। और सर, इस बोरी में से भी कोई सुराग मिला है? अच्छा, बोरी में से भी सुराग ढूंढ लिया? अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या मिला सर? इस बोरी में से हमें विंजेट डिराइड नाम का एक लिक्विड पदार्थ मिला है। लिक्विड विंजेट डिराइड है क्या ये? विंजेट डिराइड? तो इस लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादातर बैटरीज बनाने में किया जाता है, बड़ी बैटरीज जो इंडस्ट्रीज में काम आती है। इंडस्ट्रीज में काम आने वाली बैटरीज, मतलब बोरी में लाश डालने से पहले उसमें बैटरीज रखी गई थी। सर, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बैटरी वाली बोरी कहां से आई है, तब तो हम खूनी तक यूं चुटकियों में पहुंच जाएंगे। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि एक आदमी गायब हुआ है, उसकी भी छह उंगलियां हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच, उसका नाम अजय है। छह उंगलियां, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, 5 फुट 10 इंच, यही है वो जिसकी मौत हुई है।
क्या रहता कहाँ है वो? मार्शिया नगर में रहता है सर। मार्शिया नगर अजय। कैसे हुआ सर ये सब? हमेशा कहे के किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर उनकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। किसी से दुश्मनी तो थी तभी तो उनका खून हुआ है। अच्छा अब आपको किसी पे शक है हा? अजय का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, अजय बहुत ही अच्छे थे और दुश्मनी और लड़ाई से तो वो बहुत ही दूर रहते थे और बहुत ही क्रिएटिव थे। हमारा ये घर उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, ये एक एक चीज उन्होंने खुद बनाई है सर। अब इस घर की एक एक चीज मुझे उनकी याद दिलाएगी। अजय मैम संभालिए अपने आप को, यकीन कीजिए हम अजय के खूनी को नहीं छोड़ेंगे। आपने आखिरी बार कब देखा था अजय को? कल सुबह 11 बजे वो घर में क्रिकेट मैच देख रहे थे और अचानक से उन्हें कॉल आया और वो चले गए। मुझे क्या पता था सर कि आज के बाद वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आपको कुछ याद है कि उन्हें किसने फोन किया था? नहीं सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप हमें अजय का फोन नंबर दीजिए। फोन किसने किया और क्यों ये हम पता लगा लेंगे। सर यही है वो सिल्वर सी होटल जहां से अजय को आखिरी बार फोन आया था। चलो देखते हैं अजय से किसको काम पड़ा था। आइए सर, कौन सा रूम देखना चाहेंगे आप, एसी नॉन एसी? अरे हमारा छोड़िए, आपको तो नॉन एसी की आदत होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, अरे घर पर दो दो एसी हैं। अरे 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 फिर तो इन्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी सर, जेल में एसी कहाँ होता है? जेल कौन है आप लोग और ये जेल वेल की बातें क्यों कर रहे हैं? सीआईडी, आपके होटल में से कल सुबह किसी ने अजय नाम के आदमी को फोन किया था? पता नहीं सर, मैंने तो नहीं किया था। तो शायद तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने किया हो या किसी गेस्ट ने? स्टाफ वालों को तो ये फोन इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं, शायद किसी गेस्ट ने किया होगा सर। कितने बजे आया था फोन? सुबह 11 बजे। 11 बजे? हाँ सर, मिस्टर विपुल ने 11 बजे यहाँ से फोन किया था। मिस्टर विपुल? किस कमरे में ठहरे ये मिस्टर विपुल? सर उन्होंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चेकआउट कर लिया। तो फिर उनके डिटेल्स होंगे तुम्हारे पास? हाँ सर बिल्कुल है। बस फिर उनका आईडी और बाकी सारे डिटेल चाहिए हमें। दरवाजा खोल ले रहा? ठीक है तो फिर पूरा घर छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आप आ गए? सर इतना यही विपुल है, जुर्म करके 9-2-11 हो गया। सीआईडी से भागने की बहुत लोगों ने कोशिश की है लेकिन ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाए। सर ये पेपर्स देखिए। सर ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर था। निहारिका? सर निहारिका तो वो फेमस एक्ट्रेस है जिसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके मैनेजर ने अजय को मारा, ये क्या चक्कर है? विपुल ने पिछले हफ्ते सीट कवर्स और सीट बेल्ट के प्लेट्स खरीदे थे। जी, ये देखो ये इतने सारे कार का स्केचेस, कहीं ये विपुल ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो नहीं? नहीं नहीं ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर है,
वो जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। ये देखो ये सारे बिल्स, इसने कुछ कार का सामान भी खरीदा था। ये जो स्केच है, इसे लगता है ये वही गाड़ी है जिसमें निहारिका का एक्सीडेंट हुआ। सर कहीं अजय और निहारिका का आपस में कुछ संबंध तो नहीं है? और शायद विपुल का ही हाथ हो इन दोनों के खून में। अजय की वाइफ को फोन करो, पूछो उसका निहारिका से कुछ लेना देना है। सर जी, निहारिका का कार का एक्सीडेंट होना और ये इसके घर पे कार के स्केचेस और ये स्पेयर पार्ट के बिल्स, कहीं इस विपुल का निहारिका की मौत में कुछ हाथ तो नहीं? 100% है, 100% है, तभी तो गायब है, मोबाइल भी बंद कर रखा है उसने। ओके सर, सर अजय और निहारिका का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। पहले तो निहारिका का अंतिम संस्कार रोकना होगा और यह भी पता करना होगा कि फिल्म के सेट पे निहारिका का एक्सीडेंट हुआ कैसे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस थी, हर शॉट में जान डाल देती थी। बिल्कुल, वो बड़े से बड़ा स्टंट बेजी से करती थी, उसके सामने बड़ा से बड़ा एक्शन हीरो भी शर्मा जाए। जो हुआ बुरा हुआ यार। वैसे उसका अंतिम संस्कार कब है? आज दोपहर 3 बजे। आपको पहले कहीं देखा है? अरे कैसे नहीं देखा होगा, हमारे सर तो आए दिन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आते रहते हैं। इनका नाम है एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से? जी। कहिए सर, यहाँ कैसे? निहारिका के खून के बारे में आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग, निहारिका का खून? लेकिन निहारिका की मौत तो एक हादसा था। नहीं, हमें शक है कि उसकी मौत एक सोचा समझा प्लान था और खूनी ने बहुत चालाकी से उसे एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। ये क्या कर रही है आप मैडम, लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रोड्यूसर साहब, एक बात बताता हूँ, जब निहारिका जैसे अच्छे स्टंट करने वाली आर्टिस्ट स्टंट करते वक्त मर जाती है, तब दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझे? हाँ सर, निहारिका के एक्सीडेंट से मुझे भी हैरानी हुई थी। ठीक 10 मिनट पहले उसने वही स्टंट बहुत अच्छे तरीके से किया था और अगले टेक में वो अपनी कार को पता नहीं काबू क्यों नहीं कर पाई। मैं बताता हूं, क्योंकि किसी ने उस गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी, छेड़खानी की थी, समझे? ये विपुल कहां है? विपुल निहारिका का सेक्रेटरी? या उसी की बात कर रहे हैं हम। सर होगा यही कहीं। क्यों? क्योंकि उसका फोन बंद है और ना ही वो घर पे है। कहीं आप लोग उस पर तो चेक नहीं कर रहे हैं? सिर्फ उस पर ही नहीं, आप लोगों पर भी, समझे? और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, हम शक सभी पर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, विपुल और निहारिका, इन दोनों के संबंध कैसे थे? आप अच्छे थे, दोनों में अच्छी बनती थी। अजय कुमार को जानते हो? नहीं, कौन है ये? ये अजय कुमार, इन्हें कहीं पहले देखा आपने, निहारिका के साथ या विपुल के साथ? नहीं, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उस कार एक्सीडेंट का फुटेज देखना चाहते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है? आप निहारिका के पिताजी? मैं जगमन हूँ, रिश्ते में निहारिका का चाचा हूँ। भैया भाभी गुजर गए, 3 साल की थी निहारिका, माँ और बाप दोनों का प्यार देके मैंने उसे बड़ा किया है सर। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर बात थोड़ी जरूरी है।
क्या बात है सर? हमें शक है कि निहारिका की मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। क्या? निहारिका का मर्डर? लेकिन उसका मर्डर कौन करेगा? आपको शक है किसी पे? नहीं। क्या निहारिका जी किसी अजय नाम के आदमी को जानती थी? अजय? कौन अजय? ये है अजय। क्या आपने उन दोनों को कभी साथ में देखा था? नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे भी निहारिका एक एक्ट्रेस थी, वो हजारों लोगों को मिलती थी। उसको खुद को पता नहीं था वो किससे कहाँ मिलती थी। वैसे विपुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ गया। इस हादसे के बाद उसका फोन ही बंद आ रहा है। जगमोहन जी, मैं जानता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं होगा, पर अभी आप निहारिका का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्यों? हमें उसकी बॉडी फॉरेंसिक लैब लेके जानी होगी। इसलिए? ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि निहारिका की मौत की वजह क्या है। ये सीन एडिट करने की हिम्मत ही नहीं होती है सर। जब भी निहारिका की मौत का भयानक हादसा देखता हूँ हाथ कांपने लगते हैं। हाँ विनय, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या करें। विनय, काम करो, पूरा का पूरा रिवाइंड करो और फिर से दिखाओ। जी सर। हाँ एक मिनट, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से दिखाओ। बस पॉज करो। देखा तुम लोगों ने? ऐसे नहीं लगता कि निहारिका जब गाड़ी के सीट पर बैठ रही थी तो वो कुछ परेशान थी, मेरा मतलब है कुछ अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। हाँ सर, सीट की सेटिंग के साथ छेड़खानी की। एग्जैक्टली पूर्वी, जरूर सीट के सेटिंग के साथ छेड़खानी की गई है। सीट की सेटिंग में कुछ गड़बड़ की गई है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। स्टंट शुरू करने से पहले निहारिका ने अपनी सीट एडजस्ट क्यों नहीं की? पंकज काम करो, तुम एक्शन डायरेक्टर को बुलाओ, बुलाओ स्टंट मास्टर को। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ? निहारिका की गाड़ी की सीट तुमने चेक की थी? चेक की थी सीट? की थी सर, सब कुछ ठीक था। कुछ ठीक नहीं था, समझे? वो सीट ऊंची है जरूरत से ज्यादा, देखो इसमें। सॉरी सर, निहारिका को इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। क्या कहा? छोटी सी चीज? ये चीज छोटी सी है जिसकी वजह से निहारिका की जान चली गई, वो तुम्हें छोटी सी चीज लगती है? निहारिका बहुत बड़ी स्टार थी सर, वो इतनी छोटी चीजों के लिए एक्शन डायरेक्टर्स को दखलंदाजी नहीं करने देती। फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से तो कहना चाहिए था ना कि सीट ऊंची है। एक बार मैंने ऐसी गलती की थी तो निहारिका ने मुझे सबके सामने डांट दिया था। वो बोली कि वो अपना काम अच्छी तरह जानती है। कहने लगी अगर तूने ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तुझे इस फिल्म से निकलवा दूंगी। तो फिर हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने ये सब गड़बड़ की, निहारिका की जान ली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं भला इतनी छोटी चीज के लिए उसकी जान क्यों लूंगा सर? आप अगर किसी ने तो जान ली है निहारिका की, समझे? किसी ने तो जान ली है। स्टंट की गाड़ी अच्छी तरह से चेक करते हैं जिसमें निहारिका की मौत हो गई। थैंक यू।
पंकज जरा प्लीज मैग्नीफाइंग ग्लास देंगे। थैंक यू। सर कुछ बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो गए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आया हूँ यहाँ पर। सर सर प्लीज शांत हो जाइए, आपको पता है पंकज को मजाक करने की आदत है। तो इसको बोलो अपनी आदत सुधारे, ये तो मेरे सामने मत आए। अरे सर आप ऐसे क्यों कह रहे सर, मैं भी तो CID ऑफिसर हूँ, मुझे भी तो जानना है कि क्या हुआ है। तो जान लो फिर। सर पंकज तुम दो मिनट चुप नहीं रह सकते, सर को अपना काम करने दो ना। अरे क्या हुआ सर, उनके साथ काम खत्म निकल पड़े। पंकज पंकज कब सुधरोगे तुम, जब से CID में और सबको परेशान करके रखा हुआ है। हटो तुम यहाँ से। आइए सर आइए। काय को मन लगता है इन लोगों को। सर कुछ काम की बात पता चली। हाँ पता चली। क्या अभिजीत, ये कार जली नहीं है, इस कार को जलाया गया। इसे जलाया गया? हाँ। कैसे? मैं बताता हूँ। ये देखो अभिजीत। ये क्या? ये रबर सॉल्यूशन है। रबर सॉल्यूशन? ये रबर सॉल्यूशन का इस्तेमाल शूटिंग में कार जलाने के लिए किया जाता है, पर निहारिका की फिल्म की स्क्रिप्ट में कार के स्टंट में कार जलाने का तो कोई सीन था नहीं। सर यानी शूटिंग के सेट पर स्टंट सीन का फायदा उठाया और ये रबर सॉल्यूशन का नाटक रचा ताकि निहारिका की मौत एक्सीडेंट लगे। करेक्ट। अभिजीत इस गाड़ी में एक और गड़बड़ है। क्या? जनरली गाड़ियों में 4 सीट बेल्ट होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 5 सीट बेल्ट है, क्योंकि मुझे 5 बकल्स मिले। 5 बकल्स? मतलब एक एक्स्ट्रा बकल है। सर हमारा शक सही निकला, किसी ने गाड़ी की सीट के साथ छेड़छाड़ की है। अभिजीत ये गाड़ी तो अच्छी तरह से चेक कर ली है, फॉरेंसिक में जा करके देखते हैं निहारिका की लाश क्या बोलती है। नया सुराग मिला है क्या? बस एक ऐसा सुराग मिला है जिसने इस केस को और ज्यादा उलझा दिया है। क्या मतलब? बता दो। लुके साहब ये आप क्या कर रहे? पंकज के लिए राजगद्दी तैयार कर रहा हूं। पंकज इधर आओ। इस कुर्सी पे बैठ जाओ। कैसे बैठूं सर, ये कुर्सी तो गंदी है। कोई नहीं बैठो बैठो। सर मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो ना यार बैठो। ऐसे नहीं पंकज, पीठ लगा के बैठो। सर कुछ कहिए ना सालों के सर को, मुझसे बदला निकाल रहे, मेरी शर्ट खराब कर रहे हैं। सालुंके तू क्या कर रहा है जरा मुझे बताएगा? अभी बताता हूँ बस एक मिनट बैठो। यस। अब बॉस अब मान लो ये पंकज पंकज नहीं है, निहारिका है, और ये कुर्सी उस जली हुई कार की वो सीट है जिस पर निहारिका की मौत हुई थी। तो बॉस निहारिका की सिर्फ पीठ पर उस जली हुई कार की कुर्सी के अंश मिलने चाहिए, सिर्फ पीठ पर, जैसे कि पंकज की पीठ पर मिले। मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है सर, यहाँ पे कार के सीट के पार्टिकल्स निहारिका के सामने वाले हिस्से पे भी मिले।
उसके पेट पे, उसकी गर्दन पे और उसके चेहरे पे भी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, ऐसा कैसे हुआ? गाड़ी के सीट कवर उसके टुकड़े निहारिका के शरीर के सामने वाले हिस्से पर मिले हैं और नए सीट कवर्स के बिल्स उस विपुल के घर से हमें मिले हैं। तो जरूर ये सारा चक्कर इस विपुल का ही है। विपुल, उठाओ इस विपुल को और उस जली हुई गाड़ी को फिर से चेक करो। इस गाड़ी की पहेली तो दलदल से भी ज्यादा गहरी है। क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आएगा श्रेया, आएगा। हर सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही छिपा रहता है। कार के अंदर इन एक्स्ट्रा बकल का राज इसके अंदर ही छिपा होगा। सर, सर। पानी को काम हो गया? हो गया सर, विपुल के ठिकाने का पता चल गया है। चलो देखो कहां पे। अरे अभिजीत कहां चल दिए? विपुल को पकड़ने जा रहे थे। आप कुछ बताने आए क्या सर? हाँ, ऐसी चीज बताऊंगा अभिजीत कि समझो केस सॉल्व हो गया। क्या आपको पता चल गया कि खूनी कौन है? हाँ। खबर पक्की है ना? विपुल पानी के रास्ते ही शहर छोड़ के जाने वाला है। 100% पक्की खबर है साहब। अगर झूठ बोला तो अपनी मुंह छुड़वा लूंगा और आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। विपुल यहीं जाने वाला है साहब। सर सर, वो देखो वो देखो, वो पीछे ऑटो से आ रहा है। सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच सका, तुम कैसे बच जाओगे?
मुझे माफ कर दो सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस खेल में जरूर था, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है सर। मालूम है लंगूर की तुम, हमें सब मालूम है असली खिलाड़ी कौन है, सिर्फ इतना बता कब आने वाला है। नहीं जल्दी भी क्या? अरे अरे अरे, अपने फैंस को ऑटोग्राफ तो देके जाइए निहारिका जी। हैं? अरे अरे अरे, संभाल के, अगर गिर गई तो हमें पानी में उतरना पड़ेगा। निहारिका जी, मैंने सुना है आपको स्टंट करने का बड़ा शौक है, दो तीन स्टंट मुझसे भी सीख लीजिए। मैंने एक मासूम औरत को मार के खुद अपनी मौत का नाटक रचा। क्यों क्यों नाटक किया अपनी मौत का? क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। सात्विक गैंग का नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने? सात्विक गैंग, वही ना जो फ्रांस से ऑपरेट करती है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग। हाँ, मैं फ्रांस में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी और वहाँ भी मेरी मुलाकात सात्विक गैंग के कुछ लोगों से हुई और उन लोगों ने मुझे करोड़ रुपए देने का वादा किया और बदले में ये कहती मैं उनकी जड़ें इंडिया में फैलाने में मदद करूं। जिस देश में रहती हूँ उसी को जुर्म की खाई में धकेलने चली थी तुम। ऐसा नीच काम करने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? वो लोग मुझे 20 करोड़ दे रहे थे और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना तो वो मुझे ही मार डालते। तो हमारे पास चली आती, कानून की मदद लेती, अगर नहीं 20 करोड़ रुपयों की लालच में साथ दे दिया तुमने उनका। एक रिपोर्टर जान गया था कि मैं सात्विक गैंग के साथ मिलकर काम करती हूँ और वो पूरे मीडिया में बात फैला देता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा, तुम्हें लगा कि सारी दुनिया में तुम्हारी असलियत फैल जाएगी, हैं? इसलिए यहाँ से भागने का प्लान बनाया और उसके लिए अपनी नकली मौत का नाटक रचाया है ना? हाँ, प्लान तो बनाया था मैंने, मगर आप लोगों ने मेरे पूरे प्लान में पानी फेर दिया। सीआईडी के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, समझी? कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये जली हुई कार की मिस्ट्री सॉल्व कर देता हूँ। कार की सीट पर एक्स्ट्रा बकल इसलिए लगाया हुआ था ताकि निहारिका उस सीट में कुछ छिपा के ले जा सके। छिपा सके? हाँ। क्या सर? लाश, एक औरत की लाश। लाश? क्या कह रहे हैं सर आप, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका जी ने सीट के अंदर लाश रखी थी। मैं समझाता हूँ पंकज, ये देखो
ये है कार की असली सीट। इस सीट पर निहारिका ने एक लाश छिपा करके रखी और फिर इस लाश के ऊपर एक और नकली सीट बना करके रख दी और उस नकली सीट पर निहारिका जाकर के बैठ गई। निहारिका इसलिए अनकंफर्टेबल थी क्योंकि ये असली सीट पर नकली सीट लगाई हुई थी, उसकी हाइट कुछ बढ़ गई थी। जब कार में आग लगी तो निहारिका यहां से भाग गई और आग की वजह से इस सीट में छिपी हुई लाश सीट से निकल करके बाहर आई और नकली सीट पर जाकर के सामने की तरफ से टकराई। और जो लाश के सामने की तरफ हमें जो सीट के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस नकली सीट के थे। ओ, मतलब जिसे हम निहारिका की लाश समझ रहे थे वो कोई और थी। एग्जैक्टली। तो फिर निहारिका की लाश कहाँ है? अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जिसे हम निहारिका समझ रहे थे वो निहारिका कतई नहीं है, वो कोई और है। और ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता, ये रिपोर्ट देखो अभिजीत। इस रिपोर्ट के अनुसार निहारिका की एक शूटिंग में स्टंट के दौरान उसके घुटने बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और इसलिए उसके घुटनों में स्टील के स्क्रू लगाए गए थे। और ये स्टील के स्क्रू आपको मिले नहीं? बिल्कुल नहीं मिले। अब सोचो, लाश जल सकती है, हड्डियां जल सकती हैं, लेकिन स्टील के स्क्रू तो नहीं जल सकते। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? वो भी मैच नहीं होता। मतलब ये सारा किया धरा निहारिका का ही है। और अजय, अजय को क्यों मारा तुमने? अजय, अजय बहुत क्रिएटिव था। उसने तो मेरे लिए ऐसा फायर प्रूफ बॉक्स बनाया था जिसमें बैठ के मैं आराम से चलती गाड़ी से बच गई। और उस बेचारे को भी मार दिया ताकि कोई सबूत न बचे तुम्हारे खिलाफ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर रिस्क तो तुमने उसी वक्त ली जब तुम एक एक्टर से मुजरिम बन गई। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। नहीं, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।